राज्य को नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ट्रंप के बिजनेस पार्टनर रहे और 17 होटलों के मालिक भारतीय कारोबारी ने हवाई अड्डे पर की चोरी। भारतीय मूल के एक होटल कारोबारी दिनेश चावला को मेम्फिस हवाई अड्डे से सामान चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। चावला ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के साथ साझेदारी कर नए होटल खोलने की कोशिश भी की थी। एक बार फिर संकट में हांगकांग, दो दिन में 86 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के पुलिस मामला विभाग के सहायक प्रमुख मार्क चीन हो कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों की निंदा की और कहा कि कानून के उल्लंघन वाली हिंसक कार्रवाई और तीव्र हो रही है, जिससे हांगकांग एक बार फिर संकट में फंस गया। गत दो दिनों में पुलिस ने 86 लोगों को गिरफ्तार किया। बौखलाए पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने किया ऐसा ट्वीट, ट्विटर ने भेज दिया नोटिस। कश्मीर मुद्दे पर दुनिया के तमाम देशों से पाकिस्तान को धुतकार तो मिली ही है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने तो कश्मीर पर पोस्ट को लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को ही नोटिस थमा दिया है। चीन में ऑस्ट्रेलियाई लेखक गिरफ्तार, जासूसी का लगाया आरोप। कैनबरा व चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच चीन में जन्मे ऑस्ट्रेलियाई लेखक को जासूसी के संदेह में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। चीनी राजनयिक से ऑनलाइन पत्रकार व ब्लॉगर बने यांग हेक जून को गुआंगजू के दक्षिणी शहर में गिरफ्तार कर लिया गया। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।